अच्छे एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज आदारुष ने हमें सरप्राइज देना था कि हम लुधियाना आ रहे हैं, और जब मैं सुबह उठी थी तब किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि वो लुधियाना में आ चुके हैं अपनी स्केटिंग के लिए। और जब उन्होंने सुबह सुबह मुझे कॉल की, वो देखो सामने वीडियो, ओ माय गॉड, आगे ज्यादा है क्या कह रही थी कि उन्होंने हमें सरप्राइज देना था। और सुबह सुबह जब उनका मेरा ना वीडियो कॉल आया है ना, तब उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ में हैं, कि हम अपनी वहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मुझे पापा ने बता दिया कि अब वो लुधियाना में स्केटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उनको सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो हम स्केटिंग रिंग में पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, और अब हम उनको सरप्राइज दे देंगे। पर अब हम ही सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि हम सारे वेट हो जाएंगे। अब पता नहीं, चलो चल के देखें। चलो ये देखो, अब आदर्श, ये बुआ है, ये बाहर आदर्श भैया बैठे हैं। मैंने इनको सरप्राइज दे दिया था, आधे डर गई थी। और देखो कोई मुंह छुपा रहा। तो फिर मैम ने मेरे से अटेंडेंस लगो, अब वो ऐसे नहीं बस पीपी लिखना था, प्रेजेंट 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 पता नहीं। मैं ऑनलाइन में अगर मैं क्लास लीव कर जाती हैं तो मैं क्लास का ध्यान रखती हूँ, वो सब है। हमारे बच्चे तो शोर बजाने लग जाते हैं। मैं बोल रही थी प्लीज कीप क्वाइट, मैम 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 बोलती हैं, मैम पूछती है आधा पेपर आ गया। कल मैम ने मुझे ऐसे ऐसे किया था। और ना परसों वन पीटी काच ये देखो आरुष फोन कर रहा है, इससे बड़ा पागल कौन होगा, इसकी कोई वायर ही नहीं है। हेलो। कोई वायर, बिना वायर वाला क्या है। अब मैं आपको क्लाउड्स दिखाऊं,
सही है, आप सोचोगे इसमें काम है।